हाँ मम्मी, तुम आई क्यों नहीं अभी तक? कब से इंतजार कर रही हूँ। आज तो 4 दिन पहले आने वाली थी, अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी, तेरे पापा की थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है। तुझे तो पता है तेरी भाभी भी नहीं है, मायके गई हुई है कब से। अब तो ही बता बेटा, मैं तेरे पापा को अकेले छोड़कर कैसे आऊंगी। अपनी सास को बुला ले। अरे यार मम्मी, मेरी सास कैसे आएगी? आपको याद नहीं है आपके चक्कर में मैंने सास को कितना उल्टा सीधा सुना दिया था ताकि वो यहाँ पर आए नहीं, और मना भी कर दिया था। अब किस मुँह से उसे बुलाऊं? कोई आ रही है क्या? अरे आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, तो बोल के तो देख। अरे माएँ होती ऐसी हैं, बच्चों का फ़ोन बस चला जाए सारी चीज़ें भूल जाती हैं। और सुन, तू फ़ोन मत लगाना, दामाद जी से लगवाना फ़ोन, देखना मना नहीं कर पाएगी सास। हाँ एक बात याद रखना, तेरे सास आए ना तो उसको बोल देना, घर में तो तेरे बहुत अनाज होता है, सब वहाँ से राशन पानी 4-6 बोरी ले आएगी। अब आएगी तो रुकेगी, 4-6 महीने खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना, तो सब वहीं से लेके आएगी, बोल देना। ठीक है मम्मी, मन तो नहीं था उसे बुलाने का, पर अब तुम भी नहीं आ रही हो तो किसी को तो काम करने के लिए बुलाना पड़ेगा ना, वरना उसका मुंह देखकर तो मेरी दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बुढ़िया फूटी आँख नहीं सुहाती है मुझे। अरे बेटा अभी तेरी गरज है, तेरा काम है ना, तो बुला ले, जब तेरा काम निकल जाए भगा देना। हाँ हाँ मम्मी, चलो ठीक है, रखती हूँ। पापा का ध्यान रखना, और कुछ ज़रूरत लगे तो मुझे बताना। अरे प्रिया, किस सोच में डूबी हो, क्या हो गया? अरे तुम्हारी माँ को जरा सी चिंता नहीं है ना तुम्हारी ना मेरी? अरे दूसरा पोता पोती होने वाला है, ये नहीं कि थोड़े दिन आ जाऊँ, 4-6 महीने बहू की सेवा कर दूँ। अरे इस हालत में घर का सारा काम करती हूँ। मेरी माँ के ऊपर क्यों भड़क रही हो तुम? तुम्हारी मम्मी आने वाली थी ना, तुम्हें तो बुलाया था अपनी मम्मी को। अरे तो मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़ के कैसे आएगी? तुम्हें पता है ना मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया, अब वो घर में ही रहते हैं, और भाभी रहती नहीं है घर में, तो अकेले कैसे छोड़ के आएगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? प्रिया तुम्हें भी तो पता है कि मेरे पापा भी रिटायर हो गए हैं, तो फिर मेरी मम्मी भी पापा को अकेले छोड़कर कैसे आएगी? क्यों, पापा को छोड़कर नहीं आ सकती क्या तुम्हारी मम्मी? अभी भी पापा जब नौकरी में थे तो अकेले ही रहती थी ना। ये बात तो तुम्हारे माँ बाप पे भी लागू होती है। पहली बात ये बताओ कि पिछली बार जब मम्मी मेरी आने के लिए तैयार थी तब तो तुमने आगे होके मना कर दिया था कि तुम्हारी माँ को कुछ आता नहीं है, बच्चे संभालने नहीं आते हैं, और इस बार फिर क्या हुआ, तुम मेरी मम्मी को क्यों बुलाना चाहती हो? देखो जी, मेरी मम्मी ने ठेका नहीं ले रखा है, एक बच्चा मेरी मम्मी ने बड़ा कर दिया पाल पोस के, तो तुम्हारी माँ की भी जिम्मेदारी है ना। अब दूसरा बच्चा होने वाला है, उसके भी पोते पोती हैं, उनकी सेवा करे, देखभाल करे। ज़्यादा पंचायत ना करो, अपनी माँ को फ़ोन लगाओ और चुपचाप यहाँ आने के लिए बोल दो। मुझसे अब ये घर के काम नहीं होते हैं, वैसे भी मैं कोई यहाँ उनको हमेशा रहने के लिए नहीं बुला रही हूँ। मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खुद धक्के मार कर निकाल दूँगी इस घर से। हाँ फ़ोन करके ये ज़रूर बोलना कि 6 महीने का राशन पानी खर्चा सब सामान लेकर आएंगी, यहाँ फ्री में नहीं मिलेगा कुछ। तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिया, अगर मेरी मम्मी को जरा सा भी पता चल गया ना कि तुम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें बुला रही हो, तो तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या करेंगी। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ और अपने आप को भी। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगी। तुम सिर्फ उतना करो जितना मैं तुम्हें बोल रही हूँ, समझे? ठीक है, मैं माँ को फ़ोन कर दूँगा। मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। ठीक है। हेलो माँ। प्रणाम। खुश रहे बेटा, खुश रहे, और सब ठीक है वहाँ पर? हाँ माँ सब ठीक है, तुम्हारी बहू की डिलीवरी होने वाली है तो आ जाओ यहाँ पर, से अकेले ये सब नहीं मैनेज होगा। पर बेटा तेरी सास आती है ना, पिछली बार भी तो आई थी, तो मुझे क्यों बुला रहा है? और तुझे तो पता है पापा जी भी घर पर ही हैं, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आऊँ, उनका खाना पीना सब कौन देखेगा बेटा? हाँ माँ वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, पापा को भी लेकर आ जाओ, साथ में ही रह लेना तो घर की भी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ बेटा ये सही कहा तुमने, तेरे पापा आ जाएंगे ना तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी। और हाँ माँ वहाँ से आना ना तो 4-6 बोरी अनाज लेते आना, और साथ में और कुछ सामान लेते आना खर्चे पानी के, क्योंकि देखो अभी बच्चा होगा तो खर्चे तो बढ़ने ही हैं ना माँ, फिर यहाँ परेशानी होगी। ठीक है बेटा ठीक है, तू चिंता मत कर, अनाज तो बहुत सारा रखा है घर पे, मैं लेती आऊँगी, तू बस रेलवे स्टेशन आ जाना बेटा लेने। हाँ माँ ठीक है, मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ स्लीपर में, आराम से आ जाना। ठीक है बेटा। जा कहाँ रहे हो तुम? अरे मम्मी पापा रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, उनके साथ सामान भी है ना, अनाज की बोरियाँ भी लेके आई हैं, तुमने फ़ोन किया था। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, बोल दो फ़ोन करके कि ऑटो करके आ जाएं, फ्री में पैसे आते हैं क्या? अरे इधर से जाओगे फिर वहाँ से आओगे, डबल पैसे देने पड़ेंगे, अपने माँ बाप को बोलो कि ऑटो करे, उसमें सामान रख के घर आ जाएं। नाटक ही ख़त्म नहीं होते। अरे यार कीर्ति पर इतनी बोरी सामान लेके वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे मतलब, वहाँ कुली होते हैं ना, बोल दो कुली कर ले, नहीं हो रहा है तो खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा।
फोन करके बोल दो कि आ जाए। ठीक है, भगवान जाने आने के बाद कितने नाटक दिखाएंगे। अभी आ जाएंगे, चाय पानी भी बना के देना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करके लेट जाती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। आएगी बुढ़िया, बनाएगी, खाएगी, अपने पति को भी खिलाएगी। राहुल राहुल जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राहुल, अरे प्रिया क्या हो गया तुम्हें? मेरे पेट दर्द कर रहा है, मुझे आराम करना है। पर तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं ना, उनका खाना पीना भी तो बनाना था। अरे तुम चिंता मत करो प्रिया, चलो तुम आराम करो, हम देख लेंगे हमें खाना पीने में क्या करना है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो क्या बोलेंगे कि आते ही बहू काम करवाने लग गई। नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मम्मी पापा बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि इस हालत में कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ आराम करने। ये अब आएगी बुढ़िया, बनाएगी, खाएगी, मरेगी। आज के बाद तो मैं एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दूंगी। हाँ हाँ, ले आओ सामान ले आओ। अरे पापा मम्मी आ गए, आप लोग बैठे। प्रणाम पापा, खुश रहे बेटा। अरे बेटा बहू नहीं दिख रही। अरे माँ, तुम्हारी बहू की ना तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। ठीक है बेटा, आराम करने दे बहू को, एक गिलास पानी पिला दे। हाँ मम्मी, मैं पानी लेकर आता हूँ। बेटा एक कप चाय भी लेते हैं ना, बहुत थकान हो रही है। अरे मम्मी आपको तो पता है ना, मुझे चाय बनानी नहीं आती, और बहू आपकी आराम कर रही है। चलो मैं किचन बता देता हूँ सब सामान, आप चाय बना लो ना, आपके लिए, पापा के लिए, और हम दोनों के लिए भी बना देना। आज सुबह से उसने कुछ भी नहीं बनाया है मम्मी। पर बेटा तेरे घर में तो नौकरानी लगी थी ना सब काम करने की। हाँ माँ, नौकरानी तो लगी थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारे आने की खबर सुन के छुट्टी दे दी। बोले मम्मी पापा को तो नौकरानी के हाथ का कुछ खाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं खुद ही बनाऊंगी। पर अब उस बेचारी को कहाँ पता था कि खुद बीमार हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई नहीं, चल मैं ही बना देती हूँ। देखा श्रीमती जी, आप जो बोल रहे थे, मेरे बेटा बहू बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। आते ही देख लिया, एक कप चाय देने वाला नहीं है कोई। जाइए करिए काम, आपको शौक चढ़ा था ना काम करने का। अरे आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे इस हालत में तबीयत खराब तो होती है, तो हम आए किसी लिए हैं? बहू की देखभाल करने के लिए ही तो आए हैं, काम तो करना पड़ेगा। वैसे भी आपको कौन सा काम करना है, आप बैठिए ना, काम तो मुझे करना है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? सच में किसी ने ठीक ही कहा है, ये ना औरतों का कुछ नहीं हो सकता, माएँ होती हैं ऐसी हैं, बेटे बहू के प्यार में इनको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे माँ जी मुझे भूख लगी है, चाय नाश्ता कब देंगी आप? एक काम नहीं होता है आपसे, भगवान जाने सुबह से क्या करती रहती हैं, 9 बज गई अभी तक नाश्ता तक नहीं मिला मुझे। ला रही हूँ बहू। क्यों श्रीमती जी, अभी समझ में नहीं आया आपको क्या? जी आप इतनी नासमझ हैं या इतना नासमझ बनने का नाटक कर रही हैं? अरे आपकी बहू की डिलीवरी हुए पूरे 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी बहू बिस्तर में, उसको चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। अरे आपको भी बच्चे पैदा हुए हैं, आप तो नहीं बैठती थी 4 महीने। अरे आप भी ना, पहले का ज़माना अलग था, आपके बच्चों से कहाँ ये सब किया जाता है, और 4 महीने तो हुए, कौन सा 4 साल हो गए जो बहू सब काम कर ले। अरे शरीर कमज़ोर हो जाता है औरतों का, लेकिन आज जेंट्सों को कहाँ समझ में आएगा। अरे पापा जी ये सब क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगा रखा है आपने? अरे माँ जी को काम करने तक नहीं देते हैं। अरे अगर आपको इतनी ही चिंता है कि मेरी बीवी काम नहीं करे तो चले जाइए यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बैठ कर सोचिए कि मुफ्त का अनाज तोड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, समझे आप? अरे बहू ये तुम अपने ससुर से किस तरीके से बात कर रही हो? क्या गलत कह रही हूँ माँ जी, सच ही तो कह रही हूँ। तो आप लोगों के आ जाने के बाद इतना खर्चा बढ़ गया घर में, और ऊपर से पापा जी को लगता है कि आप कुछ काम ही मत करो, खुद तो सारा दिन बैठे बैठे अनाज तोड़ते हैं मुफ्त का, और सोचते हैं कि आप भी बैठ के खाओ, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। कौन सा खर्चा बहू बढ़ा है हमारे आने से? घर से राशन पानी तो सब लेकर आए थे, रहा बात फल फूल सब्जियों का तो वो भी मैं ही रोज लेकर आता हूँ, फिर बताओ कौन सा खर्चा बढ़ गया हमारा? अच्छा तो इतना हिसाब रखते हैं आप, इतने से काम चल जाता है क्या? अरे खाना पकाने के लिए गैस लगती है, जिस कमरे में सोते हैं सारा दिन सोफे में जो बैठते हैं वहाँ पे पंखा चलता है, टीवी चलती है, उसका बिल आता है, ये सब फ्री में होता है क्या? और एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर यहाँ रहना है तो खर्चा तो देना ही पड़ेगा, और हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, नहीं तो उठाइए अपना बढ़िया बिस्तरा और अपने घर चले जाइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस बहू बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और ये जो तुम मुझे सुना रही हो ना, चले जाइए मेरे घर का खर्चा लगता है, ये मत भूलो कि ये घर अभी भी मेरा है, मैंने दिलाया था बेटे को ये घर, और तो और उसकी EMI भी मैं ही भर रहा हूँ, और तुम दोनों ऐसे से यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हो और हमें ही आंखें दिखा रहे हो। एक काम करो, तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल लो यहाँ से, ये हम पति पत्नी का डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ रहना है कि गाँव में रहना है। तुम होते नहीं हो कोई भी मुझे घर से निकालने वाले, समझी? अरे जी ये आप क्या कह रहे हैं,
ये हमारा 4 महीने का पोता है, ऐसे में हमारे बेटे बहू कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम चलते हैं ना अपने गाँव वाले घर। यही तो दिक्कत है आप औरतों की। अरे कितनी बदनामी बेइज्जती सहेंगी अभी आप, जब तुम्हारे बेटे बहू को कुछ नहीं पड़ी है। हाँ कि हम जिए मरे, क्या करें क्या नहीं करें, जब से आई हो नौकरों की तरह दिन रात काम करती हो, उसके बाद भी तुम्हारे बहू का ये रवैया है, तब भी तुम्हें यही लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अपनी और अपने पति की इज्जत का कोई मोल नहीं है? अरे बेटे बहू के प्यार में इतने भी क्या अंधे हो ना। हाँ तो तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और अपने माँ बाप के घर जाओ या कहीं और, जहाँ तुम्हारी मर्जी। उनकी तो तुम्हें बहुत चिंता है ना, वहीं जाके रहो तुम आराम से। अरे 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 पापा जी, आप तो नाराज ही हो गए। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे हम आपके बेटे बहू हैं, हम नहीं रहेंगे आपके घर में तो कौन रहेगा? बेटे बहू होने से हक नहीं मिल जाता है, हक पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बेटे बहू का फर्ज निभाना पड़ता है। हाँ पहले के माँ बाप होते रहे होंगे कि जो बेटा बहू करे वो चुपचाप सहते रहे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने हमेशा इज्जत की रोटी खाई है और जब तक सांस है इज्जत की ही रोटी खाऊंगा, समझ में आया तुमको? पर हाँ अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक बहू के फर्ज भी निभाने होंगे और बहू की तरह रहना पड़ेगा। मंजूर हो तो रहो, नहीं तो चलती बनो। और दोस्तों आप सभी को भी यही सलाह देता हूँ कि बेटे बहू पोते पोती के प्यार में अपनी इज्जत मत गवाइए। अपनी जिंदगी भर की कमाई आप इन बेटे बहू को देकर जाते हैं और बदले में क्या लेते हैं, बेइज्जती? नहीं, थोड़ा जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और आज अपने अधिकार को समझिए। जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका हक उनके बेटे को मिले, तब तक कोई भी बेटा बहू कोई हक ले नहीं सकता है। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।